नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल शैक्षिक पटल पर। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर सुनीता मिश्रा। वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा। आज हम बात करेंगे, तो जब धरती पर बढ़े पाप तब तब भगवान ने लिए यह अवतार। गीता के 14 अध्याय के एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तत्वात्मनम सृजाम्यहम्। इसका मतलब यह है कि हे भारत, जब जब धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं स्वयं की रचना करता हूँ, अर्थात जन्म लेता हूँ। मानव की रक्षा, दुष्टों की विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं अलग अलग युगों में अवतरित होता हूँ। तो आज हम भगवान के अवतारों के विषय में बात करेंगे। मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का पहला अवतार है। इस अवतार में भगवान विष्णु मछली बनकर प्रकट हुए थे। मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुरा कर समुद्र की गहराई में छिपा दिया था, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार में आकर वेदों को पाया और फिर उन्हें स्थापित किया। बराह अवतार। बराह अवतार हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से तीसरा अवतार है। इस अवतार में भगवान ने सुअर का रूप धारण करके हिरणाक्ष राक्षस का वध किया था। कक्षप अवतार। कूर्म अवतार को कक्षप अवतार कहते हैं। इसमें भगवान विष्णु कक्षुआ बनकर प्रकट हुए थे। कक्षप अवतार में श्रीहरि ने क्षीर सागर के समुद्र मंथन में मंदर पर्वत को अपने कवच पर रखकर संभाला था। मंथन में भगवान विष्णु मंदर पर्वत और वासुकी सर की मदद से देवताओं और राक्षसों ने 14 रत्न पाए थे। नृसिंह भगवान। ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से चौथा अवतार नृसिंह है। इस अवतार में लक्ष्मीपति नरसिंह मतलब आधे शेर और आधे मनुष्य बनकर प्रकट हुए थे। इसमें भगवान का चेहरा शेर का था और शरीर इंसान का था। नृसिंह अवतार में उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए उसके पिता राक्षस हिरण्यकश्यप को मारा था। वामन अवतार। भगवान विष्णु का 5वां अवतार है वामन। इसमें भगवान ब्राह्मण बालक के रूप में धरती पर आए थे और प्रहलाद के पौत्र राजा बलि से दान में 3 पग धरती मांगी थी। 3 कदम में वामन ने अपने पैर से तीनों लोक नाप कर राजा बलि का घमंड तोड़ा था। परशुराम। विष्णु के अवतार परशुराम राजा प्रसन्नजीत की बेटी रेणुका और भृगवंशी जमदग्नि के पुत्र थे। 10 अवतारों में से वह 6वां अवतार थे। जमदग्नि के पुत्र होने की वजह से इन्हें जामदग्नि भी कहते हैं। वह शिव के परम भक्त थे। भगवान शंकर ने इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर परशु शस्त्र दिया था। इनका नाम राम था और परशु लेने के कारण वह परशुराम कहलाए। कहा जाता है कि इन्होंने क्षत्रियों का कई बार विनाश किया था। क्षत्रियों के अहंकारी विध्वंस से संसार को बचाने के लिए इनका जन्म हुआ था। श्री राम। विष्णु के 10 अवतारों में से एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। महर्षि वाल्मीकि ने राम की कथा संस्कृत महाकाव्य रामायण में लिखी थी। तुलसीदास ने भक्ति काव्य श्री रामचरितमानस की रचना की थी। राम अयोध्या के राजा दशरथ और उनकी पहली रानी कौशल्या के पुत्र थे। श्री कृष्ण। यशोदानंदन श्री कृष्ण भी विष्णु के अवतार थे। भागवत ग्रंथ में भगवान कृष्ण की लीलाओं की कहानियां हैं। इनके गोपाल, गोविंद, देवकी नंदन, वासुदेव, मोहन, माखन चोर, मुरारी जैसे अनेकों नाम हैं। यह मथुरा में देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। श्री कृष्ण की महाभारत के युद्ध में बहुत बड़ी भूमिका थी। वह इस युद्ध में अर्जुन के सारथी थे। उनकी बहन सुभद्रा अर्जुन की पत्नी थी। उन्होंने युद्ध से पहले अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। भगवान बुद्ध। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक बुद्ध भी है। इनको गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है। वह बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। बौद्ध धर्म के संसार के 4 बड़े धर्मों में से एक है। इनका जन्म क्षत्रिय कुल के शाक्य नरेश सुद्धोधन के रूप में हुआ था। इनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। गौतम बुद्ध अपने विवाह के बाद राहुल और पत्नी यशोधरा
को छोड़कर संसार को मोह माया और दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग पर निकल गए थे। एक मत यह भी है कि गौतम बुद्ध और हमारे सनातन धर्म के बुद्ध दोनों अलग अलग हैं। कल्कि अवतार। कल्कि अवतार भगवान विष्णु का आखिरी अवतार माना जाता है। कल्कि पुराण के अनुसार श्री हरि का कल्कि अवतार कलयुग के अंत में होगा। उसके बाद धरती से सभी पापों और बुरे कर्मों का विनाश हो जाएगा और धरती फिर से साफ सुथरी हो जाएगी। अगर आप शैक्षिक पटल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आपके सुझावों का, विचारों का हमें इंतज़ार रहता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों में शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब करवाएँ। धन्यवाद। नमस्कार।